Hello students, let's see this question. Here we have identify monomials, binomials and trinomial from the following algebraic expressions. हमें यहाँ पर देखना है बेटा जैसे कौन सा monomial है, binomial है या trinomial है. अगर हम अपना first part यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है 5p multiplied by q multiplied by r square. ये तीनों multiply में है, ठीक है. तो अब हम इनको अगर multiply करेंगे तो बेटा हमें मिल जाएगा 5p आर स्क्वायर. हमारे पास कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, वन टर्म. और वन टर्म मतलब मोनोमियल, ठीक है. अब देखते हैं बेटा अपना सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3x² प्लस y डिवाइडेड बाय 2z. तो एक तरह से ये हो गया 3x² अपॉन 2z प्लस y अपॉन 2z. यहाँ पर अगर हम बेटा देखेंगे हमारे पास कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है बेटा. तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.